तो पाप का हिसाब किताब तो बराबर से होगा। भरतपुर में क्या कर दिया, निजी अस्पतालों को किराए पे वेंटिलेटर दे दिए, किराए पे दिए, फोकट में तो नहीं दिए। जब आपके पास वेंटिलेटर ज्यादा आ रही थी, निजी अस्पताल में भी कोरोना का इलाज हो रहा है, उन्होंने दे दिया, जो मैंने खबर में पढ़ा। नहीं, आप ही निजी अस्पताल पे तो आरोप आप ही लगा रहे थे। लगा रहा हूँ ना यार, क्यों ज्यादा बीजेपी का चैनल बन के बात करते हो, जो खुल के सुनो ना। निजी अस्पतालों को किराए पे वेंटिलेटर दे दिए, किराए पे दिए, फोकट में तो नहीं दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड से राजस्थान के हर जिले को वेंटिलेटर भिजवाए। ये वेंटिलेटर एक गरीब मरीज की जान बचाने के काम में आने थे, लेकिन आप राजस्थान सरकार की बेरहमी देखिए। भरतपुर में जो 10 वेंटिलेटर भेजे गए, वो भरतपुर के सरकारी अस्पताल राय बहादुर अस्पताल में इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि राजस्थान सरकार ने उन्हें एक निजी अस्पताल को 2,000 रुपए प्रतिदिन किराए पे दे दिए। वही वेंटिलेटर जिससे एक गरीब मरीज की जान निशुल्क बचाई जानी थी, आज मरीज 50,000 रुपए दे रहा है अपनी जान बचाने को। कोटपुतली के अंदर लोग मर रहे हैं, लेकिन पीएम केयर फंड से आए हुए वेंटिलेटर अभी भी डब्बे में बंद है। आपको जयपुर में अगर सरकारी अस्पताल में आईसीयू बेड लेना है तो 1,00,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये कहानी राजस्थान के हर जिले में हो रही है।